चलो शुरू करने से पहले एक हम मजाक कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। देखो क्या होता है बेटा, एक बार कुछ फॉरेन से लोग आते हैं घूमने, है ना, अपने प्राइवेट प्लेन से, तो इंडिया में आते हैं घूमते फिरते हैं, उनका एक जगह खराब हो जाता है प्लेन उनका खराब हो जाता है, चालू नहीं होता है, बहुत सारे बुलाते हैं कि अलग अलग कंट्रीज से बुलाते हैं एक्सपर्ट कि इसको चालू करें, और वो बहुत कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो उनका कहना है, उनका शुरुआत में तो कहते नहीं यार इंडिया वालों को मत बुलाओ, कोई मतलब नहीं उनको बुलाने से, फिर आखिरी में जब वो एकदम थक जाते परेशान हो जाते कि नहीं यार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो फिर वो बोलते हैं बुला ही लो यार, वो भारत वाले को बुलाते हैं, वो थोड़ा उसको आड़ा टेढ़ा करता है, झुकाता है इधर उधर, और फिर बोलता है चालू करो, चालू हो जाता है। बोले भैया यार, बोले ये टेक्निक कहाँ से लाए? बोले देखो हमारे देश के अंदर क्या है, हम चलाते हैं बजाज सुपर का चेतक स्कूटर पुरानी बात, उसको सुबह सुबह जब तक टेढ़ा निकलो साला स्टार्ट नहीं होता है तो हमारे यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। भारतीय आदमी इतना क्रिमिनल होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है ना। देखो एक बार क्या होता है, रिसर्च टीमों की मीटिंग होती है, रिसर्च टीमों की मीटिंग होती है, अलग अलग देश के साइंटिस्ट आते हैं, बोले कुछ इन्वेंट करेंगे आप, है ना, तो हर आदमी कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता है, भारत वाले का सबसे आखिरी में नंबर आता है, तो वो जाते हैं भाई, 2-3 घंटे मिलते हैं तो वो जाते हैं और सो जाते हैं, आखिरी के 5 मिनट में उठते हैं और बाहर आवाज आती है टक टुक की, तो यार ये सोच में पड़ जाते, साला इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी और ये आखिरी 5 मिनट में क्या कर रहे हैं यार। तो वो जितनी भी मशीनें होती हैं, जब उनका टाइम खत्म होता है और आके और इंस्पेक्शन शुरू होता है, वे तुमने क्या बनाया, तो वो जितने भी प्रोडक्ट पहले बने हुए रहते हैं उनमें सब में देखते हैं तो लिखा हुआ रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, नहीं समझे। जितने भर कंट्री के लोग अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं वो सब में क्या लिख देते हैं, इतना आलसी होता है आदमी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर नीडेड टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेस अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो दैट पीपुल कैन परचेस द सेम। मतलब कहना इनका ये है कि जहां गुड्स प्रोड्यूस होता है वहां यूज नहीं होता, यूज कहीं अलग जगह होता है, यूज कहीं अलग जगह होता है, उसका कंज्यूमर कहीं दूर दराज इलाके में बैठा हुआ होता है जो उसको कंज्यूम करता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्टिविटी है जो प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है। अब इसमें गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू दिस एस्पेक्ट, डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। दो डिसीजन लेना है कि किस चैनल के थ्रू गुड्स को इधर उधर पहुंचाओगे और फिजिकल मूवमेंट कब कैसे होगा, तो डिटेल डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसकी चर्चा परिचर्चा अब हम शुरू करते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट टेक लिटिल आर असिस्ट इन ट्रांसफरिंग टाइटल टू पर्टिकुलर गुड्स। मतलब एक गुड्स का जब टाइटल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में शिफ्ट हो जाता है, जैसे ये प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हुआ और जब तक ये दुकान में था तब तक दुकानदार का था, जब मैंने इसके लिए प्राइस पे कर दिया तब इसका मालिक मैं हो चुका हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, है ना। इन अदर वर्ड्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बहुत सारी चीजें हैं कि ये बनता कहीं और है, बिकता कहीं और है, ये सब अपन ने पढ़ लिया इसलिए मैंने ऊपर के कंटेंट रीड नहीं किए, है ना, बराबर है।
इन अदर वर्ड्स चैनल रिफर्स टू अ टीम ऑफ मर्चेंट एजेंट या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूशन दैट कंबाइन फिजिकल मूवमेंट एंड टाइटल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू रीच स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर और रिटेलर, फिर उधर कंज्यूमर. तो ये चैनल है, मर्चेंट की टीम है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो गुड्स की ओनरशिप और उसका फिजिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. इन ऑर्डर टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंज्यूमर या कस्टमर, फर्म्स टेक हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एटसेट्रा. वी बाय मर्केंटाइज ऑफ आर नीड सच एज सॉल्ट, बल्ब, टी, सुगर, सोप, पेपर, बुक्स, फ्लोर एटसेट्रा फ्रॉम रिटेल सेलर. है ना, तो मैन्युफैक्चरर से ये बहुत लोगों से पास होने के बाद रिटेलर तक आता है. आजकल तो अम्मा जान से डायरेक्ट आ जाता है, है ना. एडवांटेज ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे ब्रिंग इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर इन डिस. देखो ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये अंडरटेक कर लेते हैं मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट. तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर का ये टेंशन खत्म हो जाता है कि मैं गुड्स बना तो लूंगा लेकिन कस्टमर तक पहुंचाऊंगा कैसे. ये टेंशन किसका हो जाता है, इन लोगों का हो जाता है जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, एजेंट, मिडिलमैन या होलसेलर, ये लोग. उसके बाद दे हेल्प टू कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, और ये पूरा एरिया कवर करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, निगोशिएशन, सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं किसको, मैन्युफैक्चरर को. दे ब्रिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर एज दे कैन बाय ऑल आइटम्स एट वन स्टोर. भाई मैन्युफैक्चरर से इन्होंने गुड्स को वहां पहुंचा दिया जहां कंज्यूमर रह रहा है, उसके रेसिडेंशियल एरिया तक, तो कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, आसानी से खरीद सकते हो आप. प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन, ये कस्टमर को क्या नीड है, क्या वांट है, क्या डिजायर है, वो क्या चाहता है, ये सारी बातें किस तक पहुंचाता है, प्रोड्यूसर. टू टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल मतलब ऑनलाइन, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक, और इनडायरेक्ट मतलब वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल. तो वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल में क्या है गाइस, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर फिर कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर. ये है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का होता है. ठीक है, आगे बढ़े. आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना. डायरेक्ट लेवल को अपन, डायरेक्ट चैनल को क्या बोलते हैं, जीरो लेवल, मतलब बीच में कोई भी नहीं होता है ना. कंपनी ओन्ड रिटेल शॉप, कंपनी का खुद का शॉप होता है, जैसे बाटा, मैकडोनल्ड, डोर टू डोर सेलिंग, है ना, यूरेका, फोर्ब्स, घर घर आते हैं ना वो पानी का फिल्टर का, क्या बोलते हैं उसको, एक्वागार्ड जिसको बोलते हो. मेल ऑर्डर सेलिंग, चिट्ठी भेज दो आ जाएगा. टेली मार्केटिंग के फोन आते हैं. इंटरनेट सेलिंग, ये वाला ऑनलाइन वाला. इनडायरेक्ट में क्या है, व्हेन अ मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व्स वन आर मोर इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा लोग आ जाए बीच में, जैसे रिटेलर आ गया, एजेंट आ गया, होलसेलर आ गया. तो ये चीज है. ठीक है, तीन है तो थ्री लेवल, दो है तो दो लेवल, और एक है तो वन लेवल, है ना. लेवल वन मतलब देखो, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर तो वन लेवल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर तो टू लेवल, और थ्री लेवल मतलब मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर. सर वो जो थ्री टीवी में कुकर नहीं सर, टीवी में टेली शॉपिंग, मतलब वो 15 मिनट में इतनी एनर्जी लगा के बेचते हैं जैसे कस्टमर उनके सामने ही खड़ा हो. इतना जोर जोर से चिल्लाएंगे, ऐसा हथौड़ा लेके ठोकेंगे, एक बार हमसे ठुकवा लो यार हथौड़ा. नाप तोल, अरे बहुत सारे नाप तोल है, तो फोन को फेंकेंगे, हाँ, एक बार हमसे हथौड़ी मरवा के देखेंगे. गोरिल्ला की ऐसी जैसी तो कहना, ठुकवा के तो देखो हमसे हथौड़ा मोबाइल में.
अरे हमसे चाटा ही मरवा दिया थोड़ा दे छोड़ो सब देखो हर आदमी आपकी कमजोरी का बेनिफिट उठाता है। दुकानदार को ये मालूम होता है कि कंज्यूमर का वीक पॉइंट क्या है, वो स्वॉट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो वो ये देखता है आपकी वीकनेस उसकी अपॉर्चुनिटी है, आपकी वीकनेस उसकी अपॉर्चुनिटी है ना, और उसकी अपॉर्चुनिटी आपकी वीकनेस कमजोरी है ना। तो चलो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स अपन देखते हैं। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह लेकर जाना। कंपोनेंट ऑफ देखो एक पढ़ लेते हैं दो लाइनें। द फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिफर्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। देखो प्रोडक्ट बिकेगा तभी जब वो दिखेगा, यदि आपने उसको मैन्युफैक्चर करके और कंपनी के अंदर ही रख लिया तो वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा तभी वो बिकेगा, इसलिए उसके मूवमेंट की जरूरत है। फिजिकली कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब रिफर्स टू द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया सैंडविच, सैंडविच जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, अब जब आपका कचौरी जब आपका ऑर्डर आपने किया और वो गुड्स डिलीवर हुआ, इसके बीच का जो टाइम था या इसके अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई वो क्या आया, ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है ना। ऑर्डर फ्लोस इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर, रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, मतलब कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है वो ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को देता है, फिर वो सैंडविच चीज सैंडविच पनीर सैंडविच और मसाला सैंडविच जैम सैंडविच है ना, ग्रिल सैंडविच कचौरी आलू की कचौरी दाल की कचौरी है ना। कैसा महसूस कर रहे हैं? A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing. यदि आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो आप बहुत जल्दी कस्टमर तक गुड्स की डिलीवरी कर देते हो। अच्छा गुड्स की डिलीवरी अच्छे से करोगे, कोई नुकसान नहीं होगा, तो आपकी गुडविल बनेगी है ना। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज द मींस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने का काम होता है ना। टी बनती कहाँ है, असम में, और मिलती कहाँ है, देश के कोने कोने में, और जब ये कोने कोने से मच्छरों को निकाला जाता है तो यही क्या कहलाता है। फिर आया वेयर हाउसिंग सर्विस। वेयर हाउसिंग क्या होता है, स्टोरेज फैसिलिटी देता है, पंखा चला दे। स्टोरेज आर वेयर हाउसिंग रिफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स टाइटल टिल दे आर डिलीवर्ड टू द बायर, मतलब स्टोर और वेयर हाउस कब तक हैंडल करता है या गुड्स को होल्ड करता है, जब तक कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना डिलीवर कर दिया जाए, है ना। वेयर हाउसिंग इज द एक्ट ऑफ, बराबर है क्या, वेयर हाउसिंग सब समझते हो, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं समझता हो, तो अपन टाइम खराब नहीं करेंगे है ना। वैसे भी ये अपने कोर्स में है नहीं। और इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये होता है बेटा, देखो तीन कुछ लेवल्स होते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये है, चीज को समझिए, यदि माहौल बन गया तो थोड़ी बंद कर दो, एनर्जी बहुत लगती बोलने में, है ना, ठीक है चलने में थोड़ा सा बस इसके लिए पांच सिर्फ दो चार मिनट। इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायर्स डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी लेवल ऑफ इन्वेंट्री होते हैं कैसे होता है समझो। देखो यदि तुमने ज्यादा रॉ मटेरियल बुला लिया और उतना मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो वेस्ट होगा, चला ही दो यार, चलो चलो। देखो क्या होता है, जैसे आप मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, आपने रेत ज्यादा बुलवा ली और बारिश का मौसम है तो बह जाएगी। सीमेंट बुलवा लिया आपने ज्यादा एक्स्ट्रा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा मॉइस्चर की वजह से, है ना, पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, फिर सीमेंट में पानी डल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है
ना तो आप ज्यादा मंगा सकते हो ना कम मंगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि मान लो मशीन चलते चलते बंद हो जाए, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो आपको चलती चलती मशीन बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आपको लेवल डिसाइड करना पड़ता है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। क्या डिसाइड करना पड़ता है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा इन्वेंट्री नहीं होना, रीऑर्डर लेवल यहाँ पर पहुंचोगे तो ऑर्डर कर दो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर डिलीवर होने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर उसके नीचे क्या आता है, मिनिमम लेवल, कि इससे कम नहीं होना, इससे कम हो जाए तो एक और लेवल होता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल की मतलब यहां गया तो फिर समझ लो कि दुकान बंद हो जाएगी, मशीनें बंद हो जाएंगी। अच्छा, मशीनें बंद होंगी, ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, आपका लॉस होगा, एम्प्लॉई आपका फुकट पे ठहरेगा, है ना। तो ये है इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। आपको ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि कंज्यूमर सर्विस किस लेवल पर है, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है आपका, और सेल्स का फोरकास्ट करना है। सेल्स का फोरकास्ट करना है मतलब कि कितना लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे, कितना हम बेच पाएंगे साल भर के अंदर, बराबर है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करने में, स्टोर करने में क्या कॉस्ट लगती है। चाहे एक डर और होता है, आज तो इतने में मिल रहा है, कल को यदि रॉ मटेरियल खरीदोगे तो हो सकता है महंगा हो जाए, तो यदि रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें को ध्यान में रख करके इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। कितना, इसके लिए एक क्वांटिटी होती, कितना खरीदे, इसको कॉमर्स की दुनिया में कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो तुम कॉलेज में जाने के बाद कैलकुलेशन सीखोगे इसका, ये मिनिमम लेवल, ऑर्डर लेवल, ये सारी चीजें तुम कॉलेज में जाकर के इनके कैलकुलेशन से सीखोगे कि कैसे ये कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए हम मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।